Assalamualaikum, वेलकम टू माई चैनल ईजी कुकिंग विद फरा। आज की रेसिपी हमारी है शिरकोमा, ईद स्पेशल के हवाले से। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये सेवैयाँ तैयार हुई है। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में सबसे पहले हम फुल फैट मिल्क मैंने यहाँ लिया है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर, इसको आप गर्म करने रख दीजिए। नेक्स्ट एक पैन में हम घी डालेंगे, घी देसी घी जो भी आप डालना चाहें। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून लिए हैं। यहाँ पर घी डालने के बाद हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमारे पास हैं कटे हुए, उनको फ्राई करेंगे। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये मैंने ब्लांच करके यानी पानी में बॉईल करके फिर इनके छिलके उतार के इनकी कटिंग कर ली है, और अब इसको जो है हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई बहुत एहतियात से धीमी आंच पे करेंगे ताकि ये जले ना, और जब लाइट पिंक हो जाएंगे तो फिर हम इनको जो है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से पिंक हो गए। अब हमने इनको निकाल लिया। अब छुहारे जो है वो हम भिगा कर हमने इनमें से बीज निकाल के कट कर लिए और इनको भी फ्राई कर लिया। अब बचे हुए घी में हम इलायची दाने 2 से 4 डाल के कड़कड़ाएंगे, और फिर इस घी के अंदर हम सेवैयाँ डाल के भून लेंगे। तकरीबन 1/2 पैकेट सेवैयाँ हम लेंगे और इसको घी में डाल के अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई हम स्लो फ्लेम पे करेंगे ताकि अच्छी तरीके से सेवैयाँ जो है वो फ्राई हो जाए, और जब तक सेवैयाँ अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ना हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे स्लो फ्लेम पे।
अब यहाँ पर सेवैया लाइट गोल्डन हो चुके हैं अच्छी तरीके से फ्राई। यहाँ पर मैं ओरिजिनल सेवैयों के साथ इस फ्राइड सेवैयों को रख कर दिखा रही हूँ आपको, देख लीजिए कि अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अभी फ्राइड सेवैयों को हम बॉयल दूध में मिला देंगे। करने के बाद फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किया हुआ था वो भी मिला देंगे। अच्छा, यहाँ मैंने सिर्फ बादाम और पिस्ता ड्राई रोस्ट यहाँ पर ऐड किए हैं, छुआरे नहीं किए, क्योंकि हर एक को इसका टेस्ट हमारे घर में पसंद नहीं, तो वो फिर अलग से फ्राई करके रख दिए जाएंगे। अब ये इस फॉर्म में आ गया है सेवैया, थोड़ी देर ये पकेंगी और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद हम इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के अराउंड शुगर ऐड कर देंगे, 4 चमचे बड़े वाले शुगर ऐड कर देंगे यानी कि शक्कर, और फिर उसके बाद हम मज़ीद इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए। सेवैया काफ़ी हद तक जो है वो थिक हो चुकी है, गाढ़ी हो गई है, तो जिसको इस स्टेज पे पसंद हो शीरकुरमा लेना तो वो यहाँ तक इसको फिर स्टॉप कर सकते हैं इसकी कुकिंग। लेकिन मुझे इससे थोड़ा ज़्यादा थिक सेवैया पसंद है, तो मैं इसको अभी थोड़ा सा और बनाऊँगी। दस मिनट मज़ीद पकाने के बाद हमारा शीरकुरमा जो है वो कुछ इस टेक्सचर में आ चुका है, और फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके या फ्रिज में रख के, फ्रिज में तकरीबन 30-40 मिनट्स रखने के बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। अब हमारा शीरकुरमा रेडी टू सर्व है। मैं एक छोटी सी हांडी में डालकर इसको सर्व कर रही हूँ यहाँ पर। और जब हम सारा शीरकुरमा इस हांडी में फिल कर देंगे तो जो हमने ड्राई रोस्ट बादाम रखे हुए थे उससे हम इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। अब हमारा शीरकुरमा रेडी टू सर्व है, और मैं इसका टेस्ट करके फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसा बना है, और आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।